Hello everyone, welcome to MOVE Study. This is the video for class 8, chapter number 2, Reproduction in Plant, part 2. Part 1 आपको class 8 की playlist में मिल जाएगा. पिछले part में हम reproduction in plant in general discuss कर चुके हैं, जो सारी चीज़ें आप अपनी book पे देख रहे हैं, by वीर बाला रस्तोगी, Shrijan Biology, ये सारी चीज़ें हम discuss कर चुके हैं, fragmentation, spore formation, activity 2 as well as checkpoint 1 तक के हमने discuss कर लिया है. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो please उस video को ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए. चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हम पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगर बच्चों आपको याद होगा तो हमने आपको ये बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, अपनी जैसे और इंडिविजुअल्स का बनना. ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, राइट. तो रिप्रोडक्शन को तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया लास्ट पार्ट में, वेजिटेटिव आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे हम चैप्टर 3 में पढ़ भी चुके हैं और इस चैप्टर में भी हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन प्लांट्स ओनली. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से, मतलब ऐसे हिस्से पेड़ों के जैसे स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, उनसे एक नया पेड़ का बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोगेशन. तो ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनसे हम नए पेड़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन दिस मैथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये वो तरीका है जिसमें एक नया पेड़ बनता है. और कैसे बनता है? पेड़ों के वेजिटेटिव पार्ट्स से. अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं प्लांट के? रूट, स्टेम, लीव्स, बड्स, ये सभी क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के. प्लांट्स ऑब्टेन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम वन प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज. अब जो पेड़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनता है, ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, वो एकदम सेम होते हैं, एक दूसरे के तरह होते हैं, तो उनको क्लोन्स कहा जाता है. क्लोन्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, मतलब जैसे पेरेंट प्लांट होगा वैसा ही सेम टू सेम प्लांट बनेगा. मानिए अगर आपने गुलाब की स्टेम से एक नया गुलाब का पेड़ तैयार किया तो वो अपने पेरेंट प्लांट के ही जैसा होगा. बनाना, गार्लिक, मिंट, ग्रेप्स, रोज, पोटैटो, शुगर गेन एंड मैनी अदर प्लांट्स आर ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं. अगर आपके घर में पेड़ लगे होंगे तो आपने मे बी गार्डनिंग का अगर आपको शौक होगा तो आपने ये सारी चीज़ें करी होंगी कि आप एक प्लांट की स्टेम से या उसकी लीव से एक नया पेड़ बना सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट इज़ वेरी कॉमन इन नेचर. मतलब नेचुरली ये बहुत कॉमन है कि नेचर में ही क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स बनते हैं. इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. लेकिन ये कब होता है? जब कंडीशंस उसकी फेवरेबल होंगी, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या होंगी? फेवरेबल होंगी, फेवर कर रही होंगी. प्रॉबेबली इन रेनी सीज़न. अब ज़्यादातर जो मॉनसून का सीज़न होता है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो नए प्लांट्स अच्छे ज़्यादा ग्रो करते हैं. बाय मॉडिफाइड रूट्स. अब नेचुरल मेथड के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले बाय मॉडिफाइड रूट. ट्यूबरस रूट ऑफ डेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरगस. एस्पैरगस बिकम स्वेलन ड्यू टू द स्टोर फूड एंड रिमेन अंडरग्राउंड. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज रूट इन द नेक्स्ट सीजन. अब क्या होता है कि ये जो स्वीट पोटैटो है, एस्पेरेगस है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फूल जाती हैं और वो फूड स्टोर करती हैं. फिर क्या होता है, वो अंडरग्राउंड में ही रहती हैं, मिट्टी में दबी रहती हैं, और फिर नेक्स्ट सीजन में उसमें नया प्लांट ग्रो कर जाता है. देन सेकेंड मेथड क्या है? बाय मॉडिफाइड स्टेम. द अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम्स आर मॉडिफाइड स्पेशली फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. मॉडिफाइड मतलब कि जो जड़े जो स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम है और जो
सब एरियल स्टेम है ग्राउंड के ऊपर की, वो उनमें स्पेशल मॉडिफिकेशन होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होता है, जैसे ट्यूबर, ठीक है। पोटैटो क्या है, पोटैटो आप सभी को पता है कि पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है पोटैटो क्या है, दिस इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज़ स्वेलन ड्यू टू द फूड स्टोर इन इट, और वो फूला फूला जो आलू होता है क्योंकि वो स्टोर करता है फूड, तो उसी आलू से नए पेड़ भी बनते हैं, तो ये क्या है, दिस इज़ द प्रोपोगेशन बाई अंडरग्राउंड स्टेम। इट हैज़ बर्ड्स इन द डिप्रेशन कॉल्ड द आइज, अगर आपने पोटैटो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आइस कहा जाता है, इसमें से ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। दीज आइट्स आर द नोड्स, ये नोड्स होती हैं, एंड द बर्ड्स इन द आइस आर एक्सिलरी बर्ड्स विच गिव राइज टू द न्यू एरियल शूट्स। तो ये पहला एग्जांपल हो गया कि जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जो प्लांट की स्टेम हैं पेड़ों की अंडरग्राउंड, उनसे नया पेड़ कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं खुद से। एक्टिविटी थ्री दी है टू ऑब्जर्व द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। प्लांट में आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मटेरियल क्या रिक्वायर है, एक आलू चाहिए आपको, एक पॉट चाहिए है जिसमें गीली मिट्टी हो, राइट। प्रोसीजर क्या है, टेक अ पोटैटो एंड लोकेट डिप्रेशन आईज ऑन इट्स सरफेस, कट अ फ्यू पीसेस ऑफ पोटैटो विद एन आई। अब जो उस पर आई जिस स्ट्रक्चर जो आई बर्ड्स हैं उसको देख के आपको पोटैटो को अलग अलग क्यूब्स में कर लेना है। बरी देम इन मॉइस्ट सॉइल इन अ पॉट, कीप द सॉइल मॉइस्ट बाय एडिंग वाटर रेगुलरली। फिर उन पोटैटो को पीसेस में, जिसमें हर पीस में एक आई ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट हैं, उनको आप मिट्टी में बरी कर दीजिए, मतलब उसमें गाड़ दीजिए, फिर उसको आप मॉइस्ट करते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू एरियल शूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, मतलब कुछ दिनों बाद। ये आप सभी बच्चे घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ज़रूर करिए ताकि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसमें से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रूव है नेचुरल प्रोपोगेशन का कि अंडरग्राउंड स्टेम से नए पेड़ डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो क्या है, पोटैटो एक वेजिटेटिव पार्ट ही तो है प्लांट का, उससे नए पेड़ बन रहे हैं। कंक्लूजन, ईच आई हैज़ बर्ड विच ग्रोज इनटू अ न्यू एरियल शूट, मतलब हर जो टुकड़ा हमने आलू का डाला था उसमें आई थी, आई बर्ड्स थी जिससे ऑक्सिलरी बर्ड्स आई और फिर उसमें नई शूट्स बनना शुरू हुई। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, इसी तरह से आप जो अदरक है वो भी ग्रो कर सकते हैं, एंड टर्मरिक भी सेम एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। बल्ब की अगर बात करी जाए तो पहला हमने रूट से डिस्कस किया ट्यूबर, और अब हम बात करेंगे बल्ब। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट डिस्क शेप अंडरग्राउंड स्टेम, एग्जाम्पल अनियन। अनियन जो है दैट इज़ ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, इट बेयर फ्लैशी स्केल लीव्स दैट स्टोर लीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। द डिस्क लाइक स्टेम ऑल्सो बेयर टर्मिनल एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स, द ऑक्सिलरी बर्ड्स ग्रो इन टू द न्यू। जो अनियन है दैट इज़ ऑल्सो वॉट, दैट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट एंड दिस इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम। अनियन भी तो ज़मीन के अंदर निकलती है, तो उससे भी नए पेड़ ग्रो करते हैं। पोटैटो इज़ अ स्टेम ट्यूबर, वेयर एज स्वीट पोटैटो, डेलिया एंड स्पैरिकस आर रूट ट्यूबर्स। मतलब पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, और स्वीट पोटैटो, डेलिया, स्पैरिकस की अगर बात करी जाए तो ये अंडरग्राउंड रूट्स हैं। और ये बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स और अंडरग्राउंड रूट्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब जो हमने बल्ब की बात करी थी तो अनियन का प्रोपोगेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि अनियन को हम कैसे देख ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोपोगेट करने के लिए। एक्टिविटी 4, टू ऑब्जर्व वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन अनियन एंड अनियन बल्ब, मतलब एक प्याज चाहिए है आपको, एक पॉट एंड सॉइल। टेक अ हेल्दी अनियन बल्ब एंड पुट इट इन द मॉइस्ट सॉइल इन अ पॉट, स्प्रिंकल सम वाटर एवरी डे ओवर द सॉइल, एंड 8 से 10 दिन बाद आप क्या देखेंगे,
In due course of time, new aerial shoots are seen. Auxiliary birds protected by the fleshy scale grow into the aerial scale. मतलब जो अनियन के दोनों तरफ ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं तो उसमें से रूट्स और शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा. इसी तरह से राइजोम्स, जैसे हमने ट्यूबर से डेवलपमेंट पढ़ा, इससे बल्ब से पढ़ा, अब राइजोम्स से किस तरह से डेवलपमेंट होता है. तो इट इज़ अ ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्वेल अप ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड. तो राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ब्रांच्ड और ज़्यादा ब्रांच करी हुई जो फूड स्टोर करती है. इट बेयर्स बर्ड्स, उसमें बर्ड्स होती हैं विच ग्रो इन टू एरियल शूट्स एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, फिर उसमें ही नया प्लांट्स बनते हैं. राइजोम इज़ फाउंड इन जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन, बैम्बो एंड बनाना. कॉम की बात करें, इट इज़ अ स्वेलन फ्लैट एंड राउंडेड बर्ब विद स्टोर फूड. ईच कॉम ग्रोज इन टू द न्यू प्लांट एंड डेवलप अ नंबर्स ऑफ न्यू कॉम्स. ठीक है, तो ग्लैडियस उसका एग्जाम्पल है. तो ये डिफरेंट जो नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, वो बताए जा रहे हैं कि रूट्स के थ्रू, बल्ब्स के थ्रू, राइजोम्स के थ्रू और कॉम्स के थ्रू जो प्रोपोगेशन है वो होता है. अब उसके बाद, अभी तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम से किया कि ये सारे क्या हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं और उससे ही नया पेड़ बनता है. अब हम बात करेंगे कि जो ऊपर की तरफ सब एरियल सॉइल के ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं उनसे कैसे नए प्लांट बनते हैं. तो प्रोपोगेशन बाय सब एरियल स्टेम्स, द सब एरियल स्टेम्स ग्रो अलोंग द सॉइल, द रूट्स एंड शूट्स अराइज फ्रॉम इट्स नोड्स एंड फॉर्म. मतलब जैसे जो रूट्स हैं वो स्टेम्स ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, फिर उसमें रूट्स निकलने लगती हैं, फिर वो अलग होकर के नया पेड़ बना लेती हैं. जैसे ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस, क्रेसेंथियम, मिंट आर ग्रोन बाय दिस मेथड. तो ये सब एरियल स्टेम से फॉर्मेशन इस तरह से होता है. जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये स्टेम थी, अब इस स्टेम में क्या हुआ, अपनी रूट्स निकल आई, तो अब ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये नया पेड़ बन जाएगा. तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय एरियल स्टेम्स. ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी, फिर इसी को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है. तो यहाँ पे आप एक्टिविटी ध्यान से देखिए. टू ग्रो ग्रास बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ग्रास में देखिए क्या होता है, ज़रा सा अगर आपने एक पीस ग्रास का लगाया तो वो स्लोली पूरे एरिया को कवर कर लेती है. पीस ऑफ लॉन ग्रास एंड अ पॉट फिल्ड विद मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, आपको एक लॉन ग्रास जो होती है उसका एक टुकड़ा लेना है, मार्केट में अवेलेबल होती है, और सॉइल. टेक अ पीस ऑफ लॉन ग्रास एंड पुट इट इन द पॉट, कवर इट्स नोड्स पार्ट विद मॉइस्ट सॉइल, लीव इट फॉर 10 to 12 days, स्प्रिंकल वाटर डेली ओवर द सॉइल सो एज टू कीप इट मॉइस्ट. After a few days, new shoot of grass grow from the buds on the nodes and cover the soil surface. धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उसमें पानी डालते रहेंगे तो वो नई ग्रासेस निकल के पूरे सॉइल को कवर कर लेंगे. Common lawn grass has long internodes called stolen creeping on the surface of soil. From each node, roots are given out. New shoots are given out from the auxiliary buds at the nodes. मतलब जो नोड्स उसमें होती हैं वहाँ से ऑक्सिलरी बर्ड्स बनेंगी, फिर नया जो ग्रास का प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा, इसी तरह से वो पूरे में फैल जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एडवेंचियस बर्ड ऑन लीव्स. अब आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम में क्या होता है, पत्ते के ऊपर इस तरह के प्लांट्स बनते हैं और उसमें खुद ही नीचे रूट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये प्लांट्स झड़ते हैं उसमें से और वो नया पेड़ बना लेते हैं. तो इसको कहते हैं एडवेंचियस बर्ड. ठीक है, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम बेयर द एडवेंचियस बर्ड्स इन द नॉचेस प्रेजेंट अलॉन्ग देयर मार्जिन्स. मतलब पत्ते के किनारे इस तरह के जो लीव होती है उसमें न्यू प्लांट्स बनते हैं, ये प्लांट्स झड़ते हैं सॉइल में और नई इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेते हैं. तो इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन बाय एडवेंचियस बर्ड्स. देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो अभी हमने जो सारे मेथड्स पढ़े, बाय ट्यूबर्स, बाय बल्ब्स, बाय राइजोम्स, बाय ग्लैडियस, बाय लीव्स और बाय स्टेम्स, बाय
ये एडवेंचरस बर्ड, ये सभी क्या हैं, ये नेचुरल तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोगेशन के, जो कुदरती होते हैं, जिसमें मैन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेचुरली जब कंडीशंस अच्छी होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो नए पौधे बनते चले जाते हैं। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे कि मैन कैसे वेजिटेटिव पार्ट से पेड़ों को प्रपोगेट कर रहा है। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कैरीड आउट बाय द स्टेम, मतलब स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, इन सभी मेथड से ह्यूमंस प्लांट को आर्टिफिशियली एक प्लांट से नया प्लांट बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेम कटिंग की बात करी जाए, तो स्टेम कटिंग में क्या करते हैं कि एक हेल्दी प्लांट की हमने एक स्टेम काटी और उसको हमने सॉइल में लगा दिया, उससे नया पेड़ बन गया। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं फिगर 2.9 में, कटिंग ऑफ ए हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीव बर्ड्स इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल, मतलब एक अच्छी कटिंग ली जिसमें लीव बर्ड प्रेजेंट थी, उसको सॉइल में लगा दिया, द कटिंग डेवलप रूट्स एंड ग्रो इन टू द न्यू प्लांट, फिर धीरे धीरे उसमें रूट्स आ गई और वो नया प्लांट बन गया। चमेली, बोगनवीलिया, रोज, शुगर केन, इन सब में हम आसानी से स्टेम कटिंग से नया पेड़ बना सकते हैं। लेयरिंग का मेथड क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लेयरिंग का मेथड देखेंगे तो इसमें एक ब्रांच को मिट्टी में उसकी ढाक दिया जाता है, तो जब वो कुछ टाइम तक की मिट्टी में ढकी रहती है तो उसमें रूट्स आ जाती हैं, इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। इन लेयरिंग अ यंग ब्रांच इज बेंट टू टच द ग्राउंड, एक यंग ब्रांच को ज़मीन तक के ले जाते हैं, इट इज़ कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल फॉर्मिंग अ लेयर, और उसके ऊपर गीली मिट्टी डाल देते हैं। व्हेन रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड बार द ब्रांच इज कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, इट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, एग्जांपल जैस्मिन, मिंट एंड वाइन। तो जैस्मिन के प्लांट में, वाइन के प्लांट में, पुदीने के प्लांट में, इसमें इस तरह से लेयरिंग करके नए पेड़ निकाले जाते हैं। उसके बाद ग्राफ्टिंग का मेथड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तने से दूसरे तने को जोड़ा जाता है ग्राफ्टिंग में, फिगर 2.1 में। सो इन दिस मेथड कटिंग विद बल्ब्स ऑफ वन प्लांट, मतलब एक प्लांट की कटिंग जिसमें बर्ड्स हैं, जिसको साइकॉन कहते हैं, इज केप्ट ओवर द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, और वो दूसरे प्लांट की जिसमें जड़ होती है, ठीक है, मतलब एक में जड़ होती है और एक में बर्ड्स होती हैं, उसमें रखा जाता है, मतलब उसमें जोड़ा जाता है। तो उस प्रोसेस को जिसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक और साइकॉन को जोड़ देते हैं, तो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। द स्टेम ऑफ द रूटेड प्लांट, तो एक में क्या था, ऑलरेडी रूट थी और उसको दूसरे में जो बर्ड्स वाला प्लांट था उससे जोड़ दिया गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, फिर इसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। द साइकॉन एंड द स्टॉक्स आर देन फर्मली टाइट टुगेदर, मतलब दोनों को बहुत ज़्यादा ताकत से आपस में बांध दिया जाता है। द स्टॉक शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द ग्राउंड, और जो नीचे वाला तना है जिसको स्टॉक कहते हैं, उसका रूट सिस्टम कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, वेल डेवलप होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम द टिश्यू ऑफ द स्टॉक एंड साइकॉन ज्वाइन टुगेदर, धीरे धीरे क्या होता है, वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। द स्टॉक सप्लाईज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द साइकॉन, और वो प्रॉपर प्लांट डेवलप हो जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप द न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज लाइक रोज, गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो न्यू मॉडिफाइड वैरायटीज़ प्लांट्स की बनती हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं। ग्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट्स, ये ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को आपस में मिलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ हाई यील्डिंग वैरायटी मे बी ग्राफ्टेड टू अ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, मतलब एक ऐसा पेड़ लिया जिसमें बीमारी नहीं लगती है और एक ऐसा जो जिसमें बहुत ज़्यादा फल आते हैं, उन दोनों को मिलाकर एक न्यू वैरायटी बना दी, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, राइट। दिस मैथड इज़ यूज टू डेवलप द न्यू वैराइटीज़ ऑफ रोज़, मैंगो, लेमन, ऑरेंजेस, इन सब प्रोसेस पे, इन सब की जो न्यू वैराइटीज़ बनती हैं प्लांट्स की अच्छी अच्छी, वो ग्राफ्टिंग के मैथड से बनती हैं, राइट। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रपोगेशन में। सो स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर का क्या प्रोसेस है, जिसको माइक्रो प्रपोगेशन भी कहते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस हो रहा है।
Micropropagation is a process of growing new plant by cell culture or tissue culture. तो micropropagation क्या है? Micropropagation एक process है जिसमें tissue culture या cell को use करके एक नया plant generate किया जाता है. In tissue culture technique, a small piece of tissue called explant, मतलब एक छोटा सा पीस टिश्यू का जिसको एक्सप्लांट कहते हैं, इस कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. प्लांट की जो एपेक्स है जहाँ से पेड़ बढ़ रहा है वहाँ से टिश्यू का एक स्मॉल पीस काटा जाता है. इट इज़ केप्ट इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर असेप्टिक कंडीशन. और उसको न्यूट्रिएंट्स में, मतलब एक ऐसा मीडियम होता है जो प्रॉपरली फेवरेबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर. इट सेल्स डिवाइड रेपिटेडली एंड फॉर्म अ सेल मास. तो क्या होता है कि टिश्यू की सेल उस मीडियम में जाने के बाद, कल्चर मीडियम में जाने के बाद, बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं और कैलस फॉर्म कर लेती हैं, ग्रुप ऑफ सेल. द कैलस इज ट्रांसफॉर्म इन टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन. फिर उस कॉलस को दूसरे मीडियम में डाला जाता है जिसमें प्लांट हार्मोन होते हैं, द ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है. द सेल ऑफ कैलस इन दिस न्यूट्रिएंट मीडियम डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इन टू द रूट शूट एंड सेवरल न्यू प्लांटलेट्स. मतलब पहले क्या किया गया कि एक अच्छे प्लांट की जो ग्रोइंग टिप्स थी वहाँ से टिश्यू निकाले गए. उन टिश्यू को कुछ ऐसे मीडियम में रखा गया कि वो बहुत जल्दी डिवाइड होके उन्होंने कैलस फॉर्म कर लिया, ठीक है, बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर ली. फिर उसको उठा करके एक ऐसे मीडियम में डाला गया जहाँ पे प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है और वो क्या करेंगे, उसमें रूट शूट का डेवलपमेंट कर देंगे. मतलब कि आर्टिफिशियली प्लांट को जो सारी चीज़ें चाहिए हैं, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं और उसको, उससे क्या होता है कि एक सेल से, एक टिश्यू से एक नया प्लांट बन जाता है. दीज प्लांटलेट्स आर ग्रोन इन पॉट्स फिल्ड विथ सॉइल. उसके बाद जब वो प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, उनको पॉट्स में कन्वर्ट भेज दिया जाता है, आगे शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ पे ग्रो करते हैं. तो ऑर्किड्स, एस्पैरिकस, ग्रैसेंथियम, ये सारे प्लांट्स इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं. अब अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमी में ये क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है. आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है, हॉर्टिकल्चर, इसमें यही सारे मैथड्स यूज़ करे जाते हैं नए प्लांट्स बनाने के लिए, प्लांट्स की अच्छी वराइटीज़ बनाने के लिए, डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए, मतलब अच्छे से अच्छे प्लांट को ग्रो करने के लिए ये सभी आर्टिफिशियल मैथड का यूज़ होता है. इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वराइटी. मतलब ऐसे पेड़ बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड दे. यील्ड का मतलब है फल आ रहे हैं तो फल अच्छे आएँ, फूल आ रहे हैं तो फूल अच्छे आएँ, क्वालिटी अच्छी हो उनकी, और डिजीज रेजिस्टेंट मतलब बीमारी उसमें ना लगे. बाय टिश्यू कल्चर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ प्लांट. और टिश्यू कल्चर से क्या होता है, एक छोटे से पीस से बहुत सारे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं. द प्लांट्स ग्रो आर फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन. और ये जो प्लांट्स बड़े होते हैं ये इन्फेक्शन भी इसमें नहीं होता है, ठीक है. तो ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इसकी. एडवांटेजेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो. रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत तेज़ी से प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे प्लांट आसानी से आपके पास हो जाएंगे. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ रैपिड, ईजियर एंड चीपर मैथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन. सच प्लांट्स ऑल्सो बेयर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्ली. मतलब आप आसानी से एक पेड़ से कई सारे पेड़ बना सकते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से सस्ता, आसान और तेज़ तरीका है, एंड ऐसे पेड़ों में फ्लावर्स और फ्रूट भी जल्दी आते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट बनते हैं वो क्या होते हैं कि पेरेंट्स के एकदम सेम होते हैं. जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑफ स्प्रिंग होगा. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट कॉपी. मतलब पेरेंट प्लांट के ही जैसा एग्जैक्ट प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनता है. ईजी टू ग्रो, आसानी से निकल आते हैं. प्लांट ग्रोन वेजिटेबली यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन अर्ली स्टेज. मतलब इनको हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से नेचुरली ग्रो करते हैं. मल्टीप्लिकेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन, इसमें हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती. प्लांट्स लाइक बनाना, सीडलेस ग्रेप्स,
रोज पाइनएप्पल डेलिया विच डू नॉट प्रोड्यूस वायलेबल सीड्स कैन बी ग्रोन, मतलब जैसे गुलाब में तो कोई सीड नहीं आती ना, तो उसका नया पेड़ हम कैसे बनाएंगे, तो स्टेम कटिंग के थ्रू। इसी तरह से सीडलेस ग्रेप, बनाना, पाइनएप्पल, इन सबको हम इस तरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, देयरफॉर दे मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड विद अ सडन स्प्रेड ऑफ डिजीज इन द फार्म। अब क्योंकि ये एक जैसे होते हैं तो इनमें डिजीज का जो अटैक होता है वो कॉमन होता है, जल्दी हो जाता है। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट बिकॉज सच प्लांट्स ग्रो इन द सेम एरिया एज देर इज नो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक ये भी होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो ये सभी क्या हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। चेक पॉइंट टू हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर फूड, तो उसका आंसर है आपका पोटैटो। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अनियन, देन सेकेंड मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अनियन, सो द आंसर इज बल्ब। बल्ब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है अनियन की। वेजिटेटिव प्रपोगेटरी पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम, जो वेजिटेटिव प्रपोगेटरी पार्ट्स हैं तो उसमें जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, दे आर द वेजिटेटिव प्रपोगेटिव पार्ट। एडवेंटिशियस बर्ड्स आप यहाँ लिख सकते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू टेकन फॉर टिश्यू कल्चर, सो हेयर यू कैन राइट माइक्रो प्रपोगेशन, और यू कैन राइट जस्ट अ सेकेंड हेयर यू विल राइट एक्स प्लांट। अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू टेकन फॉर टिश्यू कल्चर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट, राइट। तो ये हमारे हो गए चारों चेक पॉइंट, पोटैटो, देन बल्ब, देन एडवेंटिशियस बर्ड, देन एक्स प्लांट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। एंड वेट फॉर द थर्ड पार्ट, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लावर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तब तक के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। And thank you everyone for watching the video. Have a great day.